जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के 21 जनवरी से 31 जनवरी तक के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। और कौन कौन से अक्षर कुंभ राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। पहले चंद्रमा का गोचर जान लेते हैं। 21 जनवरी को चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि कुंभ राशि वालों का सप्तम भाव है। सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा, तो सप्तम भाव में चंद्रमा के गोचर के परिणाम अच्छे होते हैं। धन के मामले में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन साथी से संबंध अच्छे रहेंगे, व्यापारिक पार्टनर से संबंध अच्छे रहेंगे। अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार कारोबार या नौकरी करता है तो उससे आपको लाभ मिल सकता है, व्यापारिक पार्टनर से लाभ मिल सकता है, व्यापारिक पार्टनर से संबंध अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर आपका कोई व्यापारिक पार्टनर है तो संबंधों में मधुरता आएगी और मान सम्मान मिलेगा, सफलता मिलेगी। पति पत्नी से लाभ मिलेगा, व्यापार कारोबार में सफलता मिलेगी। अगर नौकरी करते हैं तो उसमें भी सफलता देखने को मिलेगी। यानी कुल मिलाकर 21 जनवरी का दिन अच्छा गुजरेगा और 21 जनवरी को आपको सफलताएं मिलेंगी। 22 जनवरी की बात करें तो 22 जनवरी को चंद्रमा सिंह राशि में ही रहेंगे। शाम को 4:48 तक, उसके बाद वो कन्या राशि में जाएंगे। तो शाम को 4:48 तक 22 जनवरी को भी परिणाम कुछ इसी तरह के मिलेंगे कि 22 जनवरी को भी आपको व्यापार कारोबार हो या नौकरी हो, हर जगह आपके कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे, अपने कार्यों को समय पर पूरा कर पाएंगे और कार्यों में सफलता मिलेगी और आपके संबंध अच्छे रहेंगे आपके पार्टनर के साथ, आपके जीवन साथी के साथ, आपके व्यापार कारोबार में आपके सहयोगियों के साथ, आपके बॉस के साथ। अगर नौकरी करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र पर आपको अच्छे संबंध देखने को मिलेंगे आपके बॉस के साथ भी और आपके साथ कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ भी, जो आपके सहयोगी आपके साथ कार्य कर रहे हैं उनके साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। और 4:48 के बाद चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में हो जाएगा। कन्या राशि कुंभ राशि वालों का अष्टम भाव है, तो अष्टम भाव में गोचर हो जाएगा। तो अष्टम भाव में जब गोचर होगा तो उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें आपको ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं और वाद विवाद हो सकता है आपके व्यापार कारोबार क्षेत्र में और आपके जीवन साथी के साथ, आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाद विवाद देखने को मिल सकता है। तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ वाद विवाद से बचें, इस समय पर इस बात का ध्यान रखें। अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा, तो अगर कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं, कोई योग अध्यात्म वगैरह का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और वैसे आपके जीवन साथी के साथ, आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ, आपके परिवार के लोगों के साथ संबंधों में आप वाणी पर संयम रखें और कोई भी शब्द बोलने से पहले सोच विचार कर बोलें और खासकर अपने ससुराल पक्ष से वाद विवाद से बचें। ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद संभव हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। और अगर ससुराल पक्ष से वाद विवाद होता है तो उसमें फिर आपके जीवन साथी के साथ भी वाद विवाद हो सकता है और आपके संबंध खराब हो सकते हैं। और ये स्थिति आपकी 22 जनवरी को 5 बजे के बाद से लेकर 24 जनवरी तक रहेगी, क्योंकि 23 और 24 जनवरी को भी चंद्रमा जो है कन्या राशि में ही रहेंगे। तो आपको 24 जनवरी तक इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, अपने ससुराल के लोगों के साथ वाद विवाद से बचना है। और कोई भी व्यापार कारोबार हो या नौकरी हो, वहाँ पर अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बने रहेंगे। अगर आपका कोई अध्यात्म क्षेत्र से जुड़ा कारोबार है
और कोई ऐसा क्षेत्र है जो आपका योग वगैरह है तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा, या कोई रिसर्च से जुड़ा हुआ कारोबार है या कोई कार्य करते हैं, रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी लाभ देखने को आपको मिलेगा, या ज़मीन से नीचे पाए जाने वाली चीज़ों का कोई कारोबार है, बिल्डिंग मटेरियल का है और आपका लोहे का है, इस तरह का कोई कारोबार है तो उसमें भी लाभ देखने को मिलेगा। 25 और 26 जनवरी को चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, आपके भाग्य भाव में रहेंगे। तुला राशि में गोचर होगा 25 और 26 जनवरी को। शिक्षा में सफलता मिलेगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, संतान से वाद विवाद से बचना होगा, प्रेमी प्रेमिका से वाद विवाद से बचना होगा और आपके उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। कोई यात्रा का प्लान कर सकते हैं या कोई यात्रा हो भी सकती है, अगर कोई व्यापारिक यात्रा होती है तो उसमें लाभ देखने को मिलेगा। धर्म कर्म में मन लगेगा, आप बहुत धार्मिक रहेंगे इन दो दिनों में और आपका धर्म कर्म को लेकर कोई खर्च भी हो सकता है। पिता से संबंध अच्छे रहेंगे, गुरु से संबंध अच्छे रहेंगे तो 25 और 26 जनवरी को कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे। 27 और 28 जनवरी की बात करें, चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे और वृश्चिक राशि आपके कुंभ राशि वालों का दशम भाव है और वृश्चिक राशि में चंद्रमा का गोचर होगा, वहाँ पर केतु का गोचर पहले से है, राहु की दृष्टि भी रहेगी, तो चंद्रमा का जो ये गोचर है वो राहु केतु के एक्सिस में होगा। तो चंद्रमा का ये गोचर राहु केतु के एक्सिस में होगा 27 और 28 जनवरी को होगा, तो व्यापार कारोबार में आपको थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिल सकता है क्योंकि चंद्रमा छठे भाव के स्वामी हैं। आपको विरोधियों से कंपटीशन झेलने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है, विरोधियों से कंपटीशन हो सकता है आपका, गलत फहमियाँ हो सकती हैं। आपके कार्य क्षेत्र में अगर नौकरी कर रहे हैं या आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके व्यापार क्षेत्र में गलत फहमियाँ देखने को मिल सकती हैं, व्यर्थ के वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं, माता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं और आपके परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी बात को लेकर मतभेद देखने को मिल सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो 27 और 28 जनवरी को थोड़ा सा आपको व्यापार कारोबार और नौकरी क्षेत्र में भी संघर्ष देखने को मिल सकता है और माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना आवश्यक होगा और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। परिवार के सदस्य हों, चाहे आपके सहयोगी हों व्यापार कारोबार में या आपके कार्य क्षेत्र में, आपको सोच समझ कर बात करनी है, वाणी पर संयम रखकर चलना है, इस बात का ध्यान रखना है। 29 और 30 जनवरी को चंद्रमा का गोचर धनु राशि में होगा। धनु राशि आपका आय भाव है और आय भाव के स्वामी का गोचर आपकी राशि में है और धनु राशि में चंद्रमा का गोचर होगा, छठे भाव के स्वामी का गोचर होगा, आपका संबंध जो है बड़े भाई बहनों से अच्छे रहेंगे, सफलताएं मिलेंगी, उत्साह से भरे रहेंगे, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, नौकरी और कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अगर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपके बॉस के साथ, आपके सहयोगियों के साथ आपके संबंध अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर व्यापार कारोबार करते हैं तो उसमें भी सफलता देखने को मिलेगी। तो चाहे व्यापार कारोबार हो चाहे नौकरी हो, आपको सफलता देखने को मिलेगी। बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, प्रेम संबंधों में सफलता देखने को मिलेगी, प्रेम संबंधों में वाद विवाद से बचना है, जीवन साथी के साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे, जीवन साथी से भी वाद विवाद से बचना है, इन बातों का ध्यान रखना है। बाकी 29 और 30 जनवरी के परिणाम अच्छे रहने वाले हैं। 31 जनवरी की बात करें, चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा और मकर राशि में आपके राशि स्वामी का गोचर पहले से ही है, तो मकर राशि में जो गोचर होगा तो 12वें भाव में होगा, छठे भाव के स्वामी हैं, ऋण रोग शत्रु के भाव के स्वामी हैं, दोनों की संयुक्त दृष्टि यानी आपके राशि स्वामी की और आपके चंद्रमा की दोनों की दृष्टि छठे भाव पर होगी, ऋण रोग शत्रु का भाव है। स्वास्थ्य में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य को लेकर कोई खर्च हो सकता है, आपके परिवार के सदस्यों को लेकर, आपके जीवन साथी को लेकर, आपकी संतान को लेकर या आपके खुद पर कोई भी स्वास्थ्य को लेकर खर्चा देखने को मिल सकता है। कोई भी लेन देन करने से बचें, अगर कोई भी लेन देन करते हैं मतलब उधार लेते या उधार देते हैं तो सोच समझ कर दें और शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, वहाँ पर आपका अच्छा रहेगा। तो इस तरह के कुछ परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं 31 जनवरी को। हालांकि कुल मिलाकर अगर मैं 21 जनवरी से 31 जनवरी तक की मुख्य बातों की बात करूं तो इस समय आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो आपको खर्चों का नियंत्रण रखकर चलना है, बजट बनाकर चलना है, वरना आपको खर्चों को लेकर परेशानी देखने को मिल सकती है और धन के मामले में परेशान हो सकते हैं। और दूसरा, आपको
स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना है। स्वास्थ्य के मामले में कोई भी छोटी मोटी समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप बुधवार को गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। और बुधवार को ही पक्षियों को आप अनाज डाल सकते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और आप शनिवार वाले दिन सरसों के तेल का या काली उड़द का दान करें, किसी गरीब मजदूर को दान करें तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो इनमें से जो भी उपाय आप कर सकते हैं कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतरदशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।